खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन द्वारा मराठी पत्रकार संघ मुंबई में 18 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंसर, टीबी, हिपेटाइटिस, एड्स, थायराइड, मधुमेह, बवासीर व चर्म रोग जैसी खतरनाक बीमारियों की पहचान एवं ईएच विशेषज्ञों द्वारा निदान के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज पांचवी चिकित्सा पद्धति के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी है व भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के करीब है। उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर सूर्यनाथ पांडे जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से थर्ड स्टेज कैंसर मरीज को ठीक किया गया। साथ में कोकिला बेन हॉस्पिटल का साक्ष्य भी सभी मीडिया कर्मियों को दिया गया। हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। बिल्कुल चमत्कारिक लाभ दिखाती है। ऐसे कैंसर की व्यवस्था जो थर्ड के में था, जिनको कह दिया जाता है कि आप इनको केवल सेवा करिए और उसके बाद जब ये दवाई इस दवाई चिकित्सा पद्धति की दवा ली जाती है तो चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है और उसमें दर्द नहीं होता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि उस कंडीशन में दर्द बहुत होता है और इसका प्रमाण डॉक्टर कोकिला बेन आपके हॉस्पिटल मुंबई ने ही उसका दिया है कि थर्ड स्टेज का कैंसर था और एक VIP पर्सन को कैंसर था और कैंसर ठीक होने के बाद उनको थर्ड स्टेज का कैंसर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की दवा ली गई और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लाखों की संख्या में डॉक्टर कर रहे हैं जिसको एक्सपोज करने की जरूरत है। हम एक आम आदमी तक ये मैसेज पहुंचे, इसलिए आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग लाखों लोग बीमारियों से मर रहे हैं। थोड़ा समय पहले ऐसा था कि कैंसर का कोई कारण होता था, लेकिन आज के डेट में हर घर तो नहीं बोलेंगे लेकिन हर मोहल्ले या हर गांव में कैंसर के पेशेंट है और दुनिया को यह मालूम है कि कैंसर का इलाज सिर्फ टाटा हॉस्पिटल में होता है। आज वहाँ लाइन लगी हुई है, खाने बगैर लोग मर रहे हैं, ओपीडी के लिए लाइन लगा रहे हैं, टेस्ट के लिए लोग यहाँ पे महीना महीना भर लाइन लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज बहुत जगह पर हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसी अवेयरनेस को लाने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं जो है इस बात को लेकर के इसलिए आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि ये बहुत सस्ती दवाई है। ये दवाई लगभग हर गली मोहल्ले में, वहाँ हमारी टीम वर्क है, वहाँ पे डॉक्टर इसके अवेलेबल है और इसके डॉक्टर पूरे भारतवर्ष में है। इसके उसी नेटवर्क को तैयार करने के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, इलेक्ट्रोमोपैथी फाउंडेशन, जिसमें लगभग 21 स्टेट के लोग सम्मिलित हैं और आप इस फाउंडेशन के माध्यम से आप जहां पे भी चाहेंगे वहां पे डॉक्टर का नाम पता एड्रेस मिलेगा, वहां पे दवाई मिलेगी। दवाई बहुत सस्ती है। ट्यूमर की बीमारी में, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में, कैंसर की बीमारी में लोग मर जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमोपैथी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। एक दो कंट्री छूटी गई होगी और ना सभी जगह इसके इंस्टीट्यूट है, सभी जगह इस पे काम हो रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 250 साल हुआ है रिसर्च हुए और लगभग 100 साल से पहले ही ये हिंदुस्तान में आ गई थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि इस पर काम हुआ, कभी काम नहीं हुआ, कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ, छोड़ पकड़ होती रही। लेकिन बीच में लोगों ने इस पर उमंग अपनी बताई, अपना हौसला बताया और इसको हिंदुस्तान के तकरीबन सभी अदालतों से, सभी कोर्ट से इसको लीगलाइज करा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से भी लीगलाइज कराया गया, सुप्रीम कोर्ट से लीगलाइज किया गया और 21/6/2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक आदेश जारी कर दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और एजुकेशन को पूरे भारत में कहीं रोका नहीं जा सकता। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।